भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने विश्राम गृह गगाह में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार वर्तमान में मिली सुविधाओं को बंद करके और लोकतंत्र हनन करने पर उतर आई है, जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज, शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूलों को बंद करना, साथ ही महिलाओं को बस में मिलने वाली 50% छूट को बंद करना शामिल है। कैबिनेट रैंक के बहुत सारे उन्होंने अहदे दे दिए हैं और अपने जितने भी मित्र बंधु थे इनके दाएं बाएं घूमने वाले, उनको जो है बड़ी बड़ी पदवी दे दी, सरकारी गाड़ियां दे दी, बंगले दे दिए, तनख्वाही उनकी अच्छी दे दी, ताकि वो अपने मित्रमंडली खुश रहे, जनता चाहे भाड़ में जाए। तो ये दुख का विषय जो है आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था और पूरी जनता का दुख दर्द है ये, और हम सब लोगों को इससे बड़ी आहत हुए हैं। दूसरी, ये तालाबंदी की सरकार है। जैसे ही ये सरकार 2022 में बनी थी, इसने पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ठाकुर जयराम जी के द्वारा खोले गए लगभग 1100 संस्थानों को बंद किया, जिसमें हमारे ददाहू का भी संस्थान, ब्लॉक का कार्यालय था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। पीछे मुख्यमंत्री शिलाई में आए, उन्होंने कहा इसमें खोल रहा हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ, वो घोषणा करे हुए भी 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक वो भी नहीं खुला है। सगड़ा के अंदर सब डिवीज़न था भी, उसको भी अभी तक नहीं खोला गया है। हरिपुरदार के अंदर सब डिवीज़न था, नहीं खोला गया है। कई पटवार सर्कल है, उनको बंद कर दिया गया। कई स्कूल थे, उनको बंद कर दिया गया। और एक और बड़ी खुशखबरी और जनता को दे रही है सुक्खू सरकार कि कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें 99 जो है सरकारी स्कूल, जिसमें 15 के करीब जो है मिडिल स्कूल है और बाकी जो है प्राइमरी स्कूलों को ताला बंद कर रही है। उनको ये स्कूल किसी ना किसी मुख्यमंत्री ने खोले होंगे और जनता की डिमांड पर ही खुले होंगे। ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से खोले होंगे या बिना डिमांड के खोले होंगे, लेकिन सुक्खू सरकार क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रही है, किसी तरह सरकार को चलाना है, उसके लिए बजट का इंतजाम हो रहा है। इस पैसे को बचा करके अपने मित्रों की तनख्वाहें बांटने में लगी है। दूसरा, आपदा का कितना हजार करोड़ रुपया दिल्ली से इनको मिल चुका है, लेकिन आज तक भी सड़कों की हालत खस्ता है, कोई सड़कें सुधार में नहीं आ रही है, चारों तरफ जो है बुरा हाल है। और 2.25 साल की सरकार हो गई है, कहीं 2.25 लाख रुपए लगे हो तो कोई मुझे बताए। हमारे क्षेत्र के अंदर जो हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय आते हैं, विनय कुमार जी आते हैं, कोई 1 लाख की कोई स्कीम बताइए जो उन्होंने 1.25 साल के अंदर यहाँ इस क्षेत्र को दी। तो ऐसी सरकार को मैं चाहूँगा कि परमात्मा ही इनका ध्यान रखे, और जनता इनसे इतनी दुखी है कि बहुत ज़्यादा उनकी इस वक्त जितना भी कहा जाए वो कम होगा। आप सब लोग आज यहाँ पधारे, आप सब